तहन दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं, जबरदस्त बात करूंगा आपसे और बात करूंगा सभी सैनिक भाइयों के लिए कि आखिर क्या है आज का लेटेस्ट अपडेट। बात करूंगा जेएसयू जवान और उनके डिपेंडेंट्स को मिलेगा फायदा। जेएसबी को एमओडी ने किया लेटर जारी और सुप्रीम कोर्ट से जवानों को झटका, नहीं मिलेगा मौका। और इस पर से नाक में दम, कर्नल साहब का सच। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं, आखिर ऐसा कौन सा लेटर है जो आर्मी हेडक्वार्टर एमओडी ने जिला सैनिक बोर्ड को दिया है कि जो सभी जेएसयू जवान और डिपेंडेंट्स को क्या फायदा देना है। यानी ये लेटर एक सोशल मीडिया पे आप चल रहा है, इसके बारे में हम बता सकते हैं कि एक और फायदा है। यानी जो अभी तक डिपेंडेंट्स कार्ड हम फौज में रहते हुए बनाते थे तो वहां बन जाता था, और कई रिटायर होने के बाद कई जिला सैनिक बोर्ड है बना रहे हैं, कोई नहीं बनाता है, वो डिनाई कर देते हैं, नहीं डिपेंडेंट्स का हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है बनाने की। तो दोस्तों, आपके सामने एक अथॉरिटी है जो एमओडी इंटीग्रेटेड आर्मी हेडक्वार्टर से निकली हुई है। आप इस लेटर को ले जाइए, उनसे कहिए मेरी वाइफ और मेरे बच्चों का डिपेंडेंट्स कार्ड बना दीजिए, चाहे आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं या यहाँ रह रहे हैं, उनके काम आएगा कंटोनमेंट में जाने के लिए, कैंटीन फैसिलिटीज के लिए, ECHS में जाने के लिए, कई जो भी चीजें हैं उसके लिए। जरा बात करते हैं, इसमें लिखा है डायरेक्टेड ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एडजुटेंट जनरल ब्रांच IHQMOD आर्मी, और लिखा है कैवलरी रोड दिल्ली कैंट, 27 मार्च 2023, यानी अभी का नया लेटर है। ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन लीग, इसमें लिखा है डिपेंडेंट कार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, रेफरेंस योर लेटर एड्रेस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन दिस सब्जेक्ट, इट इज इंटीमेट दैट डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड आर बींग इशू टू ESM स्मूथली थ्रू रेस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड एज पर लेटेस्ट पॉलिसी ऑफ केंद्रीय सैनिक बोर्ड लेटर नंबर 061 की पॉलिसी जनरल पॉलिसी वॉल्यूम 1 डेटेड 3 अगस्त 2018। इन केस देयर आर नो स्पेसिफिक केसेस वेयर एनी जिला सैनिक बोर्ड हैज नॉट अटेंडेड द वेटरन, सेम मे बी इन्फॉर्म ऑफ दिस डायरेक्टेड फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज फॉर इंफॉर्मेशन। ये लिखा है यागवेश के गौतम कर्नल, जो कर्नल साहब का है, और इसमें टेलीफोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, कॉपी टू AGS ब्रांच कोड एंड DSDW सेक्रेटरी को दिया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट्स कार्ड आपको इश्यू किए जाएंगे, आप इस जाइए आसानी से दे तो ठीक है, नहीं इस लेटर को दिखाइए, और इस लेटर के अनुसार उन्होंने लिखा है आप हमें कंप्लेन कर सकते हो कि जिला सैनिक बोर्ड हमारा और हमें डिपेंडेंट कार्ड इशू नहीं कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे जो जिला सैनिक बोर्ड है वो इस चीज को डिनाई करते हैं, बोला क्या जरूरत है आपका बन गया, आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप अपना बच्चों का भी अपनी वाइफ का डिपेंडेंट कार्ड बनवा सकते हो। दूसरी बड़ी बात कहता हूं, जेएसयू सुप्रीम कोर्ट से जवानों को झटका, नहीं मिलेगा मौका। कल 30 तारीख दोस्तों, और उसमें कई जवानों का भविष्य लटका हुआ था, चाहे एयरफोर्स के जिनका रिजल्ट वेटिंग था, शायद उन्हें उम्मीद थी कि इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और जिसके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि अग्निपथ योजना यानी देश हित में है, उन्होंने इसको देश हित में बताया, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि जो भी जो गवर्नमेंट की प्लान है हम उसके साथ सहमत हैं, और जो दो याचिकाएं लगाई थी वो खारिज कर दी हैं, तो यानी अग्निपथ योजना भी उन्होंने पुष्टि कर दी है जो गवर्नमेंट की योजना ठीक है, और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसका आर्मी का बचा था वो भी नहीं होगा, एयरफोर्स का रिजल्ट लटका था वो भी नहीं होगा, यानी सारी चीजें उन्होंने इस चीज से आपका पल्लू झाड़ते हुए उन्होंने कहा है कि सीधी सीधी कहा है कि अग्निपथ सच रिलायंस नॉट अर्बर्टी से सुप्रीम कोर्ट, मतलब अग्निपथ कोई अर्बर्टी योजना नहीं है, ये सही है, और सारी चीजें आप समझ सकते हो। उसके बाद एक कर्नल साहब ने एक ट्वीट किया है, इसको पढ़ना और इसके ऊपर कमेंट्स करना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि हम आर्मी वाले हम चीजें अच्छे से समझते हैं कि अग्निपथ योजना से क्या लाभ और हानि होने वाला है। अग्निपथ स्कीम Felt disheartened, बड़े दुख की बात है। Yes, we lost it. हम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मेक माई वर्ड्स, मेरे वर्ड याद रखना, दिस इज द बिगेस्ट डैमेज, उन्होंने कहा बहुत बड़ा डैमेज है ड्यू टू आर्मड फोर्सेस एंड टू द यूथ और जवानों के लिए एंड दिस नेशन, उन्होंने कहा बड़ा सेटबैक है, बड़ा डैमेज है आर्मी के लिए और नौजवानों के लिए और देश के लिए। हिस्ट्री विल रिमेंबर दोज हु वेर साइलेंट, और इतिहास याद रखेगा कि जो लोग चुप हैं, कहां इशारा किया आपने समझा कि इसका अग्निपथ योजना का किसी ने भी बाहर विरोध किया लेकिन सेना वालों ने कोई विरोध नहीं किया। आप समझ सकते हो कि एक रेजिमेंटेशन एक यूनिट लेवल पर किस तरह काम चलता है, किस तरह डिटेचमेंट सेक्शन पर काम चलता है,
जो इसकी गहराई को नापा है जिस फौज में वही इसके बारे में बोल सकता है। जो ऊपर ऊपर नौकरी करके सितारे लगा के घूम रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं दोस्तों, इससे बात साफ निकल के आती है। और दूसरी और बड़ी बात करते हैं दोस्तों, इस पर से नाक में दम। कर्नल साहब कर्नल लांबा साहब ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, इसमें लिखा है कि स्पर्श रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डाटा करेक्शन। स्पर्श की ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसकी बुद्धि खराब है बनाने वाले की। अब यदि किसी की उन्होंने लिखा है कि वाइफ का डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कराना है, अब उनकी साइट पे जाते तो वो बोलते हैं कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट इस पर अपलोड करो, इस पर स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करो। बट ये नहीं पता कि जो पीपीओ में ऑलरेडी जो दिया है वो सही था और आपने गलत किया है, तो उसको देख के सही करिए। रिकॉर्ड से डॉक्यूमेंट हमारा 958 है वहां पड़ा है, बहुत सारे सरकारी डॉक्यूमेंट है हमारे पास पीपीओ वो सारी चीज डिस्चार्ज होकर वो पड़ा है। अब इनके लाके मैरिज सर्टिफिकेट लाओ या डेट ऑफ बर्थ वाइफ की लाओ, ये कौन सी बात है, ये कौन से डॉक्यूमेंट है, ये टोटल नॉनसेंस है, परेशान करने वाली बात है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोड की बात कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोड लगाओ, जबकि ड्राइविंग और उसके लिए बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिलाइए, पासपोर्ट लाइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइए, ये मजाक कर रहे हैं। और ये ऑलरेडी चीज हमारे उसमें आधार कार्ड और पीपीओ बैंक अकाउंट में सारी चीज दी है, जो डाटा हमारा रिकॉर्ड में है और रिकॉर्ड से डाटा पीसीडीए में है, तो पीसीडीए से सारा करेक्ट डाटा क्यों नहीं ले रहे। जब हमने कहा है कि हमारा डाटा ये करेक्ट करिए और ये है उसकी अथेंटिसिटी, आपके डॉक्यूमेंट सारे पीपीओ में डाल रहा हूं, लेकिन फिर ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिनको आप प्रोवाइड कराना मुश्किल है, तो ये परेशानी वाला सबक है, ये मजाक है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये आप ट्वीट कर सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।